आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज जो प्रश्न हम हल करेंगे वह है, सिद्ध कीजिए कि n12 बराबर 1/sin IC, जहाँ पर IC जो है वो क्रांतिक कोण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रांतिक कोण IC और n12 हमें क्या दिए गए हैं। तो इस चित्र की सहायता से समझते हैं। एक आपतित किरण सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक n2 है, जो किसी पृष्ठ से अपवर्तित होती है, तो आपतन कोण का वह विशिष्ट मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उस विशिष्ट मान को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण IC कहते हैं। यह किरण, आपतित किरण जो वो सघन माध्यम में है, और जो अपवर्तित किरण है वो विरल माध्यम में है, जिसका अपवर्तनांक जो है वो क्या दिया गया है? n1 दिया गया है। अब हमें अपवर्तनांक और जो कोण IC है इनमें संबंध ज्ञात करना है, तो हम देख लेते हैं। स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि n2 sin I बराबर n1 sin R होगी, तो n1/n2 बराबर क्या हो जाएगा? sin I/sin R। अब यदि I जो है वो कितने के बराबर है? क्रांतिक कोण के बराबर, तो उस पर R का मान हमारे पास 90 डिग्री दिया गया है, तो n1/n2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? sin IC। इसे जब हम इसका निरूपण हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं? n21 क्या होता है? n1/n2। दोनों तरफ अगर हम व्युत्क्रम कर दें तो n12 बराबर क्या आ जाएगा? 1/sin IC। अर्थात विरल माध्यम 1 का सघन माध्यम 2 के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो 1/sin IC के बराबर है। इस आपतन, ये जो विशिष्ट मान होता है क्रांतिक कोण का, अगर इससे अधिक और बढ़ा दिया जाए तो अपवर्तन संभव नहीं हो पाता, उस स्थिति में आपतित किरण जो वो पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। हमें जो संबंध निकालना था वो हमने निकाल दिया है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।